Hello everyone, welcome to Learn Services. In this video, I will talk about Indian Air Force surgical strike, that is also called as a surgical strike 2.0, and it was done by Bharatiya Vayu Sena ne ye surgical strike ki hai. Ye LOC ke us paar ki gayi hai, that is called as a line of control. LOC ko bolte hain line of control. Ye surgical strike Pakistan occupied Kashmir, jisko POK hi bolte hain, us jagah ki gayi hai, aur us jagah ka naam hai Balakot. जिस जगह में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उस जगह का नाम है बालाकोट. और आपको पता होना चाहिए बालाकोट वाज हेडेड बाय मौलाना यूसुफ अजहर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ए उस्ताद गौरी. ही वाज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जे ई एम चीफ मसूद अजहर. तो जो इंडियन एयरफोर्स का जो टारगेट था वो था मौलाना यूसुफ अजहर, एंड द सेलेक्शन ऑफ द टारगेट वॉज ऑल्सो कंडीशन बाई अवर डिजायर टू अवॉइड सिविलियन कैजुअलिटी. हम किसी भी तरह की सिविलियन कैजुअलिटी को अवॉइड करने के लिए टारगेट बनाया गया था. इस लोकेट इन द डीप फॉरेस्ट ऑन ए हिल टॉप. हिल टॉप के डीप फॉरेस्ट में ये जो लोकेशन है ये इस्टेब्लिश्ड है. तो इस वीडियो में बात करूंगा कि इंडियन फोर्स की जो सर्जिकल स्ट्राइक है उससे इंडिया को क्या एडवांटेज है. डेफिनेटली कुछ लॉस भी होते हैं, बट ज़्यादातर एडवांटेज हैं, लेकिन कुछ लॉस के बारे में बात करूंगा. तो कंक्लूड करूंगा एक रिमार्क्स को. सो आइए देखते हैं, इसके पहले एडवांटेज के बारे में बात करते हैं. इस सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? तो सर्जिकल स्ट्राइक का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में एक अथॉरिटी शो किया है. दाओ पाकिस्तान इज इन्वॉल्व इन द प्रॉक्सी वॉर. पाकिस्तान कभी भी डायरेक्ट वॉर नहीं करता. पाकिस्तान जो वॉर करता है वो जनरली प्रॉक्सी वॉर होते हैं. वो इनडायरेक्ट वे में वॉर होते हैं या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होते हैं. कभी भी पाकिस्तान आर्मी डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुई है. लेकिन एक्चुअली इंडिया के साथ प्रॉब्लम यह है कि इंडिया इस तरह की वॉर में बिलीव नहीं करता. दैट्स वाई इंडिया वेंट फॉर डायरेक्ट हिट. और कमाल की बात यह है कि जो ये हिट किया गया है ये किसी भी पाकिस्तानी आर्मी के बेस में नहीं किया गया है. ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बेस पे किया गया है. तो आई डोंट थिंक दैट इट इंक्रोज द सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान. एनी वे दैट इज लोकेटेड इन द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, एंड कश्मीर अभी भी इंडिया का एक पार्ट माना जाता है. इवनली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया के मैप में शो किया जाता है. तो आई डोंट थिंक दैट इंडिया इज इंक्रोचिंग द सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान. एनीवे सेकंड थिंग इज दैट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात करें तो इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल में एक शो किया कि इंडिया हैव अथॉरिटी टू पनिश द एनी क्रिमिनल एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो हालांकि एनीवेयर इन द वर्ल्ड तो नहीं किया, पाकिस्तान में किया, बट द पॉइंट इज दैट अधिकांश टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फिलहाल जो इंडिया में अटैक करते हैं वो पाकिस्तान से ही रन होते हैं, स्पेशली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन में. तो डेफिनेटली इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात करें तो इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव स्टेप है. दूसरी यदि हम लॉस की यदि बात करें तो इंडिया का जो ये स्टांस है, इंडिया के जो स्टैंड्स हैं और पाकिस्तान के जो स्टैंड हैं वो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करते हैं वो अफेक्ट करते हैं कश्मीर रीजन को, जो वैली रीजन है. और वैली रीजन जो है एक वार जोन में कन्वर्ट हो रहा है. और डेफिनेटली दैट्स नॉट गुड फॉर एनी कंट्री, नीदर फॉर पाकिस्तान नॉर फॉर इंडिया. और देखा है तो यदि हम वेस्टर्न कंट्रीज से थोड़ा सीखें कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो यूरोपियन कंट्री है डेफिनेटली वहाँ पे बहुत बड़ा वार हुआ था. हिटलर वाज यू नो दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दैट वाज सच ए बिग वॉर. तो वहाँ पे सारा जो यूरोप है वो डिवेस्टेटेड हो गया था. दाऊ यदि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो यूरोप ही इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफ़ी आगे था. एशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना आगे नहीं था एशिया. हालांकि उसके पहले की बात करें तो एशिया वॉज वेल अहेड. बट यदि हम यूरोपियन कंट्री से सीखें तो आप देख सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ एक यूरोपियन यूनियन बनाकर एक यूनाइट होकर साथ में रहते हैं. लेकिन यदि एशिया की बात करें, स्पेशली सेंट्रल एशिया की बात करें, जो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप टर्की से स्टार्ट करो और टर्की से इधर की ओर आओ तो जितनी भी कंट्री है, सीरिया हो गई और मतलब देर आर सो मेनी कंट्री, अफगानिस्तान हो गया, एंड दीज आर इन द वॉर जोन. तालिबान है पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान इज ऑल्सो suffering from that. So I am saying that ये जो war zone है ये किसी भी country के लिए अच्छा नहीं है. I think they should sit together and they should talk. Anyway, right now condition is not that coercive कि मतलब India talk करे Pakistan से, because India is already entering the war zone. Pakistan have already entered in the war zone. The point is that कि war zone जो है ये हमारे loss है. यदि हम इसको conclude करें तो definitely फाइनल यदि पॉइंट्स कहा जाए तो कंक्लूजन में हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी में वर्क करने की ज़रूरत है. क्योंकि जो पुलवामा के अटैक हैं, इंटेलिजेंस के पास इंफॉर्मेशन थी लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन है वो सही तरीके से सीआरपीएफ के द्वारा सीआरपीएफ की तरफ पास नहीं किया गया या जो भी है. एनीवे द पॉइंट इज दैट इंटरनल सिक्योरिटी में वर्क करना चाहिए. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन. एक्चुअली हमारे कंट्री में बहुत सारी फोर्सेस हैं
लाइक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, और उसमें सीएपीएफ में बहुत सारी फोर्सेस आती हैं, सीआरपीएफ हैं, सीएएसएफ हैं, बीएसएफ हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, ओके, सो देर आर सो मेनी फोर्स, ऑल ऑब्वियसली इंडियन आर्मी है, इंडियन फोर्स है और इंडियन नेवी है, तो ये जो इनके बीच में इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन है ये कहीं ना कहीं लैक करता है। ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री में लैक करता है, बहुत सारी कंट्रीज इवनली यूएस तक में लैक कर जाता है, बिकॉज यूएस में भी अटैक हुआ था, यू नो दैट, एवरीबडी नोज द 9/11, बट द पॉइंट इज दैट कि हमें सीख लेने की जरूरत है, हमें अपने इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन पे ज़्यादा वर्क करने की जरूरत है, हमें अपने इंटरनल सिक्योरिटी में ज़्यादा वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग, दुश्मन है, दुश्मन आपके घर में इंक्रोच करने की कोशिश करेगा, लेकिन अपनी दीवारें मजबूत बनाना ये हमारा काम है, इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी में हमें वर्क करने की जरूरत है, दिस इज व्हाट आई एम गोना से। एनीवे, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है डेफिनेटली इंडिया को काफी एडवांटेज देगा, बट अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इफ इंडिया एंटर्स इन वॉर जोन, डेफिनेटली ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। हमने देखा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो रिजल्ट हैं वो काफी ज्यादा डिसएडवांटेजेस रहे हैं, बहुत पीछे चली जाती है कोई भी कंट्री। इवनली यदि हम देखें तो इंडिया बहुत सारे वॉर में ऑलरेडी इन्वॉल्व रही है, हम आज़ादी के बाद का देखें तो हम पाकिस्तान के साथ वॉर में इन्वॉल्व रहे हैं, चाइना के साथ वॉर में इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन यदि आप देखें जो कंट्रीज ने काफ़ी तेजी से रेज किया है, जैसे चाइना है, चाइना के मेनलैंड में इतना वॉर जोन क्रिएट नहीं होता। इवनली यदि यूएस की बात करें तो यूएस की खुद की कंट्री में कोई भी वॉर जोन क्रिएट नहीं होता। लुक एट द यूएस, यूएस का मैप बिल्कुल अलग है, नॉर्थ अमेरिका में बिल्कुल एक ऐसी जगह में लोकेटेड है जहां पे कोई वॉर जोन क्रिएट नहीं होता, एंड दैट्स द रीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ यूएसए। तो यदि आपको अपनी कंट्री का ग्रोथ पाना है, अपनी कंट्री का जीडीपी काफी तेजी से रेज करना है, पर कैपिटा इनकम को काफी तेजी से रेज करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अपनी कंट्री में वार, जो आपको वार करना है आप दूसरी कंट्री में जाओ वार करो, बट डू नॉट डू दिस इन अवर कंट्री। यदि अपनी कंट्री में वार करते हैं तो दैट्स नॉट गुड फॉर एनी कंट्री, बट डेफिनेटली ये सर्जिकल स्ट्राइक वॉज नेसेसरी बिकॉज वो टेरर कैंप रन हो रहे थे तो वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई। एनी वे, आई विल कंक्लूड द रिमार्क दैट वर्क फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी वॉट इज गोना हैपन। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।